फ्रेंड्स, आज हम बैंगन की खिचड़ियां बनाने जा रहे हैं। ये झटपट तैयार हो जाती है। जब कुछ भी अच्छा ना मिले, सब्जी ना मिले, तो आप बैंगन की खिचड़ियां बना सकते हो। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, सब बड़े खुशी से खाते हैं। अब हम इसके लिए हमने मसाला लिया है, थोड़ा सा नमक है, आमचूर है और लाल मिर्च है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, थोड़ा सा आटा डाला है इसमें। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सब मिला सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा डालेंगे। दोनों साइड पे डालना है इसको। ये मसाला डाल के हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको कढ़ाई में तेल गरम कर लिया हमने और कढ़ाई में डाल देंगे एक एक करके। लो फ्लेम पे रखना है। ये हमारे बैंगन की कचियां बन के तैयार हो गई हैं, खाने के लिए तैयार है। आप इसको, अगर आपको डीप फ्राई नहीं पसंद तो आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के भी बना सकते हैं। अगर आपको डिश पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।